जिसने शांति और सद्भावना की बात की, जिसने भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष की बात की, जिसने समग्र साधु संत समाज के चरणों में नमन की बात की, जिसने सबको एकजुट होकर के भारत को विश्व का गुरु बनाने की बात की, जिसने सबके लिए प्रेम का भाव दिया, जिसने सबके लिए सम्मान का भाव दिया, आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हैं? जी हां, आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। शिष्य अगर गुरु से सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? शिष्य अगर अपनी बात गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अगर एक शिष्य ने अपने गुरु से शांति सद्भावना की अपील कर ली तो क्या गुनाह कर दिया? अगर एक शिष्य ने भारतीय संस्कृति की बात की, सनातन संस्कृति की बात की, उसके उत्कर्ष की बात की, प्रेम की बात की, सम्मान की बात की, सद्भाव की बात की, सबको गले मिलाने की बात की, माला के धागे में सबको एक सूत्र में पिरोने की बात की, अरे उसने तो अपने गुरु का कद ऊंचा किया, उसने तो ये बताया कि उसके गुरु ने ये सिखाया है, आप उसको ट्रोल क्यों कर रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स पर उसके लिए कुछ ऐसे कमेंट, ऐसे शब्द, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या किसी का गुरु भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति से ऊंचा हो सकता है? जिसने सनातन संस्कृति की बात की उसमें आपके गुरु भी आ गए, उसमें समग्र गुरु संत समाज सब आ गए। मैं हैरत में हूं। कल का मेरा वीडियो जो कि अप्रत्याशित था, मैंने भी जिसकी कल्पना नहीं की थी, देवी लवंगी जी के 2-3 फोन मेरे पास पहले भी आ चुके थे। मैंने उनसे निवेदन किया था कि मैं दीपावली के बाद आपसे संवाद करूंगा, आपकी बात लूंगा। कल फिर जब उनका फोन आया तो मेरे मन में एक बात आई कि ये फोन बार बार क्यों आ रहा है? आखिर क्या बात है मन में कि जब मैंने इनको कह दिया कि मैं दिवाली के बाद आपसे संवाद करूंगा, उसके बाद भी ये मुझे फोन कर रहे हैं? और जब मैंने उनकी बात सुनी, भूमिका से स्पष्ट हो गया कि शक्ति पुत्र जी महाराज जी की ये सुशिष्या थोड़ी अलग है, ये समग्र समाज को देखती है, ये सिर्फ अपने शिष्य समाज को नहीं देखती, ये सिर्फ अपने गुरु को नहीं देखती, इसको भारतीय संस्कृति के सभी संत महर्षि, पूरा संत समाज इसको गुरु लगता है, मन में सम्मान रखती है, आदि शक्ति को मानने वाले संकीर्ण सोच नहीं रख सकते, सोच बहुत बड़ी होती है। और ये भाव इन शिष्या में, शक्ति पुत्र जी महाराज जी की शिष्या में ये भाव बहुत अच्छे से देखने को मिला। मैंने इस वीडियो को इसलिए दिया अपने उस बात से भी आगे बढ़कर जिसमें मैंने कहा था कि मैं किसी का फोन कॉल नहीं लूंगा। हां, पिछले जो वीडियो हमने रिकॉर्ड कर दिए थे, ऑडियो रिकॉर्ड कर दिए थे, उनमें भी अभी 1-2 संभवतया बाकी है, हमने एक एक करके उनको दिया है, लेकिन इनकी बात हमने ली क्योंकि उसमें शांति का संदेश था, उसमें सबके प्रति सम्मान का संदेश था, उसमें सबके प्रति मेल मिलाप का संदेश था, उसमें भाईचारे का संदेश था, उसमें माला के धागे में सबको एक मणियों के रूप में पिरोने का संदेश था, एकता की बात थी। और एकता की बात अगर मैं कहूं तो इस राष्ट्र की अखंडता की बात थी।
लवंगी देवी जी कितनी पढ़ी लिखी है नहीं जानता, उनकी साधना कितनी गहरी है नहीं जानता, लेकिन उनके उनके भाव बहुत गहरे हैं, उनके विचार बहुत अच्छे हैं। मैंने तो सोचा था कि सभी लोग इस धधकती आग के बीच में शांति के इस पैगाम के का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। मैं यह मानता हूं कि लवंगी देवी जी ने अपनी जो भी बात की, उन्होंने अपने गुरु के कद को ऊपर उठाया है, उन्होंने गुरु को छोटा नहीं बनाया। उन्होंने यह बताया है कि जो हमें ज्ञान मिला वो ज्ञान बांट रहे हैं, और जो हमें प्यार मिला वो प्यार बांट रहे हैं। मुझे अफसोस है कि उसके बाद भी शिष्यों में शिकायत क्यों हुई। मैं गुरु की बात तो नहीं कहूंगा कि गुरु ने क्या कहा, यह अब तक साफ नहीं है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि गुरुजी शिष्य को प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन कुछ शिष्यों के जो कमेंट आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये उनकी शिष्या ही नहीं हो सकती। आपको एक बात बता दूं, जब कोई गुरु से सवाल करता है या गुरु से अपनी बात कहता है, अपनी सलाह देता है, और ये कहते हुए देता है कि हम नादान हैं, हम बाल हैं, लेकिन हमारे मन की बात है, हम बालपन में भी अपनी बात कह रहे हैं, आपने हमें ज्ञान दिया है, आपने हमें शिक्षा दी है, और कोई भाव से अपनी बात कहता है तो उसको गुरु के विरोध का सवाल क्यों समझा जाता है। और आपको एक बात और बताऊं, गुरु गुरु होते हैं, गुरु भगवान नहीं होते, मानव होते हैं और मानव से गलती होती है। और अगर हमने ये संस्कृति अपना ली कि हम अपने गुरु से कोई सवाल नहीं कर सकते, जैसे कि बहुत सारे संप्रदायों में है, तब विसंगतियां होती है। और फिर कोई भी गुरु अगर कोई गलत भी करे तब भी उसके शिष्य यही सोचते हैं कि नहीं, गुरु ने किया है इसलिए गुनाह नहीं हो सकता, और आप वहां पर गलत होते हैं। आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा है, आपके मन में अगर कोई सवाल है, आपके मन में अगर कोई बात लगती है, ये बात ऐसे होनी चाहिए, अरे गुरु का आप पर अधिकार है, आप गुरु से नहीं कहोगे तो किससे कहोगे, जब आप मानते हो कि गुरु ज्ञान का प्रकाश है। गुरु सुनेगा भी, गुरु समझेगा भी, और अगर आप कहीं गलत है तो गुरु आपको राइट करेगा। और अगर गुरु को लगेगा कि शिष्य ने बात बहुत बड़ी कह दी है, बात सही कह दी है, तो गुरु अपने आप को थोड़ा और करेक्ट कर लेगा। बोलने का अधिकार, किसी से मत छीनिए। किसी ने अपने भाव में विनम्रता से अगर अपनी बात कही है तो उसके अधिकार का सम्मान कीजिए, उसके भावना का सम्मान कीजिए। वो अंतर मन से अपने गुरु को चाहता है, वो आंतरिक भाव है, उस आंतरिक भाव को समझने की कोशिश कीजिए। विरोध करने वाले कितने ऊपरी भाव से अपनी बात रखते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, वहां दिखाने के लिए कि हम इतने गुरु भक्त हैं, या अंतर के भाव से रखते हैं, ये विधाता जाने। लेकिन एक बात सही है कि सनातन संस्कृति से और संत संस्कृति से कोई एक व्यक्ति ऊपर नहीं हो सकता। संत संस्कृति सबसे ऊपर है, सनातन संस्कृति सबसे ऊपर है, और जब कोई बात सनातन संस्कृति पर जाती है तो फिर व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी उसे बड़ा छोटा साबित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर गुरु श्रेष्ठ है, अपने शिष्यों को हर गुरु श्रेष्ठ लगते हैं। और जब बात यह आई कि हम सभी गुरुओं का सम्मान करें, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम गुरुओं का दूसरे गुरुओं का सम्मान नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा गलत कह दिया? मैं तो ये सोच रहा हूं, और इसके लिए मुझे आज ये वीडियो देना पड़ रहा है कि जिस तरह से उनको ट्रोल किया गया है कमेंट बॉक्स में। एक महोदया ने कमेंट दिया था कि संजय सनम तो बाग बाग हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने,
शांति, सद्भावना, प्यार का संदेश जहां से भी आता है मैं बाग बाग हो जाता हूं, क्योंकि मेरे दिल में प्यार भरा हुआ है। मैं नफरतों की बात नहीं करता, मैं मिलन की बात करता हूं, मैं सद्भावना की बात करता हूं, मैं जोड़ने की बात करता हूं, मैं सबकी श्रेष्ठता का सम्मान करता हूं। मैं ये मानता हूं कि हमारी सनातन संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में आज भी एक से एक बड़े तपोबली हैं, जिनके तपोबल के सामने क्या पता हम उनके ओरा के सामने, उनके ओज के सामने खड़े भी हो सकते हैं या नहीं। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो बहुत बड़े सृष्टि होते हैं वो इस तरह से खुलकर सामने भी नहीं आते, लेकिन जब कोई ऐसी आपदा, ऐसी विपदा, ऐसी स्थिति, आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो फिर वो किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। मैं किसी के तपोबल को छोटा नहीं मानता, मैं सबकी साधना का सम्मान करता हूं, मैं सबकी आराधना का सम्मान करता हूं, मैं सबके इष्ट का सम्मान करता हूं जो दैविक पद्धति से पूजा करते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं। मुझे दुख इस बात का है कि अगर किसी ने जोड़ने की कोशिश की तो उसे ट्रोल क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। और ये सवाल सिर्फ उन शिष्यों तक ही नहीं है जिन्होंने कमेंट दिए हैं, ये सवाल समग्र समाजों के साथ है। और जो भी वीडियो को सुन रहे हैं इस पर मनन करें, सोचें और विचार से, भाव से अपनी बात को रखें। मेरे मन में सबके प्रति सम्मान है, मैं किसी का अनादर नहीं करता, मैं सबकी श्रेष्ठता का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि सबकी श्रेष्ठता का सम्मान कीजिए। जब व्यक्ति सबकी श्रेष्ठता का सम्मान करने लगता है तो फिर लोग उसे सर्वश्रेष्ठ खुद कहने लगते हैं। खुद के कहने से कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं होता, यह ज्ञानी संतों ने कहा है, लेकिन लोग जब कहने लगते हैं, श्रेष्ठी लोग जब कहने लगते हैं कि इनकी विनम्रता, इनकी शालीनता इनको अतिरिक्त श्रेष्ठता प्रदान करती है, तो वो व्यक्ति फिर सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब ये नहीं है कि हम तन करके चलें, सर्वश्रेष्ठ होने का मतलब ये है कि हम झुक करके चलें। और जो झुक करके चलता है अपनी श्रेष्ठता के साथ, लोग उसे सर्वश्रेष्ठ कह देते हैं। मैं अपेक्षा करता हूं कि समभाव से, सद्भाव से, आदर भाव से, प्रियता के भाव से जिन्होंने सनातन संस्कृति के सम्मान की बात कही है उनका सम्मान करना चाहिए। लवंगी देवी जी को ट्रोल मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। उन्होंने अपनी बातों से, अपने भाव से, अपने विचारों से गुरु के कद को ऊपर बढ़ाया है। तो व्यूअर्स, कुछ ऐसे कमेंट्स पढ़ लिए जिससे बोलना पड़ा। आप मेरे बारे में कहते हैं मैं इग्नोर भी कर देता हूं, लेकिन आपने ऐसे भाव, ऐसे विचार किसी ने दिए, अगर आपने उसको भी नहीं बख्शा तो फिर इसका मतलब यह है कि आप सनातन संस्कृति की महत्ता के उस पृष्ठ को अभी समझ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसा लोग सोच सकते हैं। मेरे शब्दों से, विचारों से अगर किसी के मन को तकलीफ हुई हो तो माफ कीजिएगा। दीपावली की भरपूर शुभकामनाएं लीजिएगा। दीप जले, दिल न जले, अंधेरा मिटे, तमस अंदर का मिटे, रोशनी सर्वत्र बिखरे, एक दूसरे के घर की देहरी पर दीप लगाएं,
हम प्रकाश सिर्फ अपना नहीं, पड़ोसी के पास, आसपास के पास भी प्रकाश लेकर आए। जब सब लोग सबके लिए प्रकाश की बात करेंगे, सर्वत्र उजियारा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।